हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बात करेंगे आज इस वीडियो में एक बार फिर से हाल फिलहाल रिलीज़ हुई सनी देओल की मच अवेटेड फिल्म गदर 2 को लेकर, जिसे रिलीज़ हुए देखते देखते काफ़ी वक्त हो चुका है। अगर ऐसे मैं बात करूँ मैं फिल्म को लेकर और उसके कलेक्शन को लेकर, तो बताना चाहूँगा फिल्म को रिलीज़ हुए आज पूरे 16 दिन हो चले हैं और अपने आप में ये बहुत लंबा वक्त होता है किसी भी फिल्म के लिए। और आज एक बार फिर से कलेक्शन में हमें जंप देखने को मिल रही है। बिल्कुल सही सुन रहे हो, गदर 2 के कलेक्शन में एक बार फिर से खतरनाक जंप हमें देखने को मिल रहा है और फिल्म एक बार फिर से डबल डिजिट के आंकड़े को क्रॉस करते हुए नज़र आ रही है नेट बॉक्स ऑफिस पर। जी हाँ, अगर बात करूँ मैं फिल्म के नेट इंडिया कलेक्शन को लेकर, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि फिल्म आज फिर से 10 से 12 करोड़ का कलेक्शन करते हुए नजर आ रही है इंडिया नेट बॉक्स ऑफिस पर, जो कि अपने आप में काफ़ी अच्छा और शानदार कलेक्शन है। इसी के साथ फिल्म का टोटल इंडिया नेट कलेक्शन हो चुका है 437 करोड़ 80 लाख प्लस, जो कि बहुत शानदार कलेक्शन है, बहुत अच्छा कलेक्शन है। जहाँ पर फिल्म का टोटल इंडिया ग्रॉस कलेक्शन हो चुका है 485 करोड़ प्लस। और अगर बात करूँ मैं फिल्म के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो आप भी कहोगे यार ये फिल्म कितना कलेक्शन और करेगी। जी हाँ, ये चीज़ तो कन्फर्म है कि फिल्म नॉन स्टॉप है और कल ये फिल्म 15 करोड़ भी कलेक्शन कर सकती है, क्योंकि कल संडे है, नॉन वर्किंग डे है, और ये फिल्म अभी भी नॉन स्टॉप ऑडियंस को पसंद आ रही है। और ये फिल्म दूसरी ऐसी फिल्म बन चुकी है इंडियन सिनेमा की जिसने कि सबसे ज़्यादा कलेक्शन किया है पठान के बाद में हिंदी बॉक्स ऑफिस पर। बात करूँ फिल्म के वर्ल्ड वाइड अपडेटेड कलेक्शन की, जो कि माना जा रहा है 545 करोड़ की रेंज में। जी हाँ, फिल्म का टोटल अपडेटेड कलेक्शन हो चुका है वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 545 करोड़, जहाँ पर फिल्म ने बजट की रिकवरी के बाद तकरीबन 445 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया है। वेल, आप लोगों ने फिल्म देखी तो कैसी लगी बताना मत भूलिएगा। थैंक यू।